السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. मैंने आपसे अर्ज किया था, ये सूरह निसा की आयत है और चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतालबा है परहेजगारी का, और परहेजगारी में से एक शोबा जिसको दियानात कहते हैं, यानी जो अल्लाह और बंदे का मामला है, अल्लाह का हक है बंदे पर और हुकूक का बयान है, उसमें से एक बात पिछले दर्स में गुजर गई कि नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। मैंने उस पर तफसील से बात कर दी आप हजरात से, और शराब की हुरमत किस तरह उतरी तदरीजन, और उसके बाद सहाबा किराम ने जब हुरमत का हुक्म नाजिल हो गया तो उस हुक्म का कैसे एहतराम किया और कैसे शराब को छोड़ दिया, ये बात आपसे हो गई। उसमें यह बात भी मैंने अर्ज कर दी थी कि हर अल्कोहल ये हराम नहीं होता। अल्कोहल वो हराम होता है जो किशमिश से बने, अंगूर से बने, खजूर या छुआरे से बने। उसके अलावा जितने अल्कोहल बनते हैं जिन स्प्रिट से, वो हराम नहीं होते, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे होम्योपैथिक की दवाइयों में जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है या परफ्यूम्स में जो अल्कोहल इस्तेमाल होता, हाँ पता चल जाए कि ये अल्कोहल उस स्प्रिट से बना है जो किशमिश से या अंगूर से बना है या खजूर छुआरे से बना है, फिर वो हराम होगा, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये मसला भी अर्ज कर दिया था कि जो चीज हराम है ना, अगर पूरा मटका पीने से नशा होता हो किसी शख्स को, उसको भी कतरा पीना भी हराम है, कतरा भी हराम है। अर्ज किया था आपसे सारा, आज आगे देखें। वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग्तसिलु, जनाबत की हालत में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। जनाबत की हालत में भी क्या नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। जनाबत, गुसल की हाजत हो जाए आदमी को, और गुसल की हाजत किस तरह होती है वो मशहूर है, मारूफ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। यही हुक्म उस खातून का भी है जो माजूरी के दिनों से गुजर रही है, उसको हैज के अय्याम आए हैं, या बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है निफास जिसको कहते हैं, यही हुक्म है कि उसमें भी ये नमाज नहीं पड़ेगी। शरीयत ने इन अहकाम को बहुत तफसील से बयान किया है, तफसील से। एक आदमी बेवजू है, हौसल की हाजत नहीं उसको, बेवजू है, ये नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान करीम को हाथ नहीं लगा सकता, मस्जिद में दाखिल हो सकता है, ठीक है, बेवजू है, जबानी कुरान करीम पढ़ सकता है, ठीक है, कुरान करीम को पकड़ नहीं सकता जैसे मैं इस वक्त पकड़ा हुआ हूं, कुरान करीम को हाथ नहीं लगा सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर एक मर्द या औरत उसको गुसल की हाजत हो जाए, गुसल की हाजत हो जाए, तो ये मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकता, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, ये अपनी जबान से भी कुरान करीम नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। ऐसे वो खातून जो माहवारी नापाकी के अय्याम से गुजर रही हो, या उनको बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं, उससे गुजर रही हो ना, तो वो भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, कुरान करीम पढ़ भी नहीं सकती, जबानी भी नहीं पढ़ सकती। दिल दिल का पढ़ना और होता है, दिल का पढ़ना क्या होता है, जबान बिल्कुल हरकत नहीं कर रही, दिल ही दिल में आदमी पढ़ रहा है, उसके लिए कोई मसला नहीं। ये बात पहले भी मैंने आपसे अर्ज की कि आप नमाज में भी जो तिलावत करते हैं या कुरान करीम खोल के जो तिलावत करते हैं, तिलावत कहते ही उसको है जब जबान हरकत करे,
ये जो खामोश आदमी खड़ा होता है ना, सिर्फ दिल में चल रहा है, इसको तिलावत नहीं कहते। या कुरान करीम सामने रखा है और जबान हिली नहीं रही, इसको भी तिलावत नहीं कहते। जबान हिलेगी इसलिए कि अरबी जबान में हर हर्फ एक खास जगह से निकलता है, उसमें कभी जबान को हरकत देनी पड़ती है, जबान कभी ऊपर के दांतों से लगती है, कभी नीचे के दांतों से लगती है, समझ रहे ना, कभी दाएं बाएं के दांतों से लगती है। अरबी जबान है जैसे पा पा या दाल या ता, ये जो हर्फ है फा है तलहा में ता, ता अनहम ता, ता जो आखिर में आप पढ़ते हैं, या दाल, कहीं भी दाल कुरान करीम के अंदर कुल हु अल्लाहु अहद, ये जबान की नोके देखो आ, ये ऊपर के दांतों के अंदर कहीं जाके लगती है जड़ों में। जब तक ये यहां नहीं लगेगी पा नहीं निकलेगा, दाल नहीं निकलेगा, ता नहीं निकलेगा। अब दरमियान में ही जबान फिर रही हो लगे ना, तो इसका कोई एतबार शरीयत में नहीं। खैर, तो जनाबत की हालत में या नापाकी की हालत में खातून मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, मर्द भी दाखिल नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसे कुरान करीम भी नहीं पढ़ सकती तिलावत की नहीं ऐसे। हां ये बात है कि वो कुरान करीम की आयतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम की आयत है, इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन ये बिस्मिल्लाह तिलावत की नीयत से तो नहीं पढ़ी जा रही होती ना, ये तो दुआ के तौर पे पढ़ी जा रही होती है। तो जनाबत की हालत में ये बिस्मिल्लाह पढ़ी जा सकती है। ऐसे ही रात को सोते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो, दम कर लो। ये वर्द के तौर पर, वजीफे के तौर पर आपने सिखाया, पढ़ा जा सकता है जनाबत की हालत में भी, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसी आयतें कुर्सी आदमी अपने ऊपर दम करे हिसार के लिए, ये इन हालतों में भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए आप बैठे और तिलकर रसूल पढ़ना शुरू किया आपने और उसमें आयतुल कुर्सी आ गई, तो ये जनाबत की हालत में तिलावत नहीं हो सकती। बतौर वजीफे के, बतौर दम के अगर कोई आयत कोई पढ़ता है तो उसको उसकी इजाजत। इसी नापाकी की हालत में खवातीन को ये तरगीब देनी चाहिए कि नमाज तो तुम्हारे जिम्मे से माफ है, लेकिन नमाज की तुम्हारी आदत बरकरार रहे इसके लिए क्या कर लो कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो भाई वजू करके ही सही, थोड़ी देर मुसल्ले पर बैठ जाओ, कोई तस्बीह पढ़ लो, ताकि तुम्हारी जो नमाज पढ़ने की आदत है वो बरकरार रहे। बाकी इस नापाकी की हालत में पहला कलमा पढ़ना, तीसरा कलमा पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, इन सारी चीजों की शरीयत ने इजाजत दी है। तो क्या क्या नहीं कर सकता आदमी जनाबत की हालत में, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, नमाज तो पढ़ ही नहीं सकता, कुरान करीम को न छू सकता है ना जबान से पढ़ सकता है, और बेवजू होने की हालत है तो मस्जिद में भी आ सकता है, कुरान करीम जबान से पढ़ सकता है, छू नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। ये एक बात हो गई। कब तक तुम जनाबत की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते, हट्टा तो तसील, यहां तक कि तुम गुसल ना कर लो, गुसल कर लोगे बस अब तुम पाक हो गए, अब तुम सारे काम कर सकते हो, नमाज पढ़ो, बैतुल्लाह का तवाफ करो, सब करो, मस्जिद में जाओ, कुरान शरीफ को छुओ, कुरान करीम की तिलावत करो, सब करो, तग्तसिलो। गुस्ल का तरीका पिछले दर्स में आपसे मैंने अर्ज किया था, तफसील से अर्ज कर दिया था। गुस्ल में तीन फर्ज हैं, इन फर्जों का पूरा करना जरूरी है। एक मुंह भर के कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली करना, और उसमें गरारा हो जाए ये पसंदीदा है, और अंदर तक पानी चढ़ाया जाए ये पसंदीदा है। रोजे की हालत में नहीं करना चाहिए वरना करे आदमी। और वो हजरात जो मसनोई दांत लगाते हैं और दांत भी ऐसे जो निकल जाते हैं, बाज दांत होते फिक्स हो जाते हैं, बाज ऐसे तो निकल जाते हैं, जो दांत निकल जाते हैं ना जब गुसल करना हो तो उन दांतों को निकाल के कुल्ली करनी चाहिए। दूसरा फर्ज गुसल का नाक में पानी चढ़ाना, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, रोजा हो तो नाक की नरम हड्डी तक ना चढ़ाए उससे पहले पहले तक, वरना अच्छी तरह नाक में पानी चढ़ाया जाए, साफ किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तहत कुल्ली शारतिन जनाबा, हर बाल के नीचे जनाबत का असर पहुंचता है, नाक के अंदर भी बाल होते हैं ना, इनको भी का धो। वैसे भी ये सुन्नत हमसे निकल गई नाक साफ करना। हदीस में इसके लिए दो लफ्ज आते हैं, एक आता है इस्तिनशाक, इस्तिनशाक नाक में पानी चढ़ाना, और एक आता है इस्तिनसार, नाक झाड़ना।
आप दोनों काम किया करते, नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाते भी थे, खूब झाड़ते भी थे उसको, ताकि जो सांस का रास्ता है ना खुला रहे। हर सुन्नत में अल्लाह ने हिफाजत रखी, आफियत रखी। और तीसरा फर्ज गुसल का यह है कि ऐसा बदन पे पानी बहाया जाए कि बाल बराबर जगह भी खुश ना रहे। ये गुसल के तीन फर्ज। तो कहा वाला जुनूबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग्तसिलू, जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ, यहां तक गुसल कर लो। हाँ, इल्ला आबिरी सबीलिन, तुम मुसाफिर हो तो और बात है, उसका मसला आगे आ रहा है। अगर तुम मुसाफिर हो या तुम्हें कोई और उज़र है जिसकी बुनियाद पर तुम गुसल नहीं कर सकते ना, तो उसका मसला आगे आ रहा है। आगे वइन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफर औ जा अहदुम से लेके ना, ये तयम्मुम को बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने। एक इस आयत के अंदर तयम्मुम को बयान किया, एक सूरह माईदा में तयम्मुम को बयान किया। ये तयम्मुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उम्मत को मिल गया है। असल एजाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप फरमाते हैं जो इलत लियल अर्व मस्जिदन व तहूरा, सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया है, मैं जहां चाहूं नमाज पढ़ सकता हूं। पिछली उम्मतों को यह आसानी नहीं थी, पिछली उम्मतों को खास जगहों पर नमाज पढ़नी होती थी। हत्ता के उनके अंबिया को भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किताब लेनी हो ना, खास जगह तय थी, वहां जाओ। जैसे मूसा अलैहि सलाम से कहा तूर पे आओ, वहां तौरात देंगे और इतने दिन यहां एतिकाफ करो, उसके बाद किताब देंगे। अल्लाह का मामला है अपने अंबिया के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। बल्कि अजीब बात है, आप सफर में होते, हजर में होते, सहाबा के दरमियान बैठे होते, वही नाजिल होती। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है मेरे साथ आप अलैहि सलातु वस्सलाम बैठे होते और वही नाजिल होती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो कहा जुइलत लियल अर्ज मस्जिदन, सारी जमीन को मेरे लिए सजदा का बना दिया गया, और तहूरा और पाकी हासिल करने का जरिया बना दिया, पाकी हासिल करने का जरिया बना दिया। और तयम्मुम शुरू कैसे हुआ, बड़ा अजीब किस्सा है, बड़ा मजेदार किस्सा है। गज़वाए मुरैसिया, इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे, कयाम किया एक जगह कहीं, रात को कयाम किया। अम्मा आयशा, जैसे उस जमाने में होता था बैतुल खला का लोगों ऐसा प्रॉपर सेटअप नहीं होता था, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीना तैयबा में घर के पास बैतुल खला नहीं हो गया था, दूर तशरीफ ले जाया करते थे बैतुल खला के लिए, कम से कम 2 मील आप चल के जाते, 2 मील। कई फायदे उसमें है, एक तो ये कि पर्दा हो जाता लोगों से, फिर चलना ये कब्ज को तोड़ता है, खैर। और खवातीन तो और इसका ख्याल करती थी, भाई अंधेरे में जाएंगे, सबके सामने नहीं जाएंगे, दिन की रोशनी में नहीं जाएंगे, और दूर जाएंगे आबादियों से जरा बाहर निकल के। तो सफर में रात को अम्मा को बैतुल खला जाने की हाजत हो गई, तशरीफ ले गई। वापिस आई ना तो उनके गले में एक हार था जो उन्होंने अपनी बहन हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला से लिया था पहनने के लिए, लाओ हार तुम्हारा पहनती हूं। वो कहीं खो गया, अम्मा को मिल नहीं रहा था हार। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल हार नहीं मिल रहा है, हार नहीं मिल रहा है। अलग अच्छी बात है, ढूंढवा लेते हैं। साहबा से कहा भाई जरा जाओ ढूंढ के लाओ, ढूंढो हार, ढूंढो हार गिर गया। अब वो हार मिले ही ना, मिले ही ना। अल्लाह का करना ऐसा कि साहबा के पास पानी नहीं था, सफर में आदमी जरूरत का पानी रखता है थोड़ा सा, उस जमाने का सफर आप सोचो कैसा होता होगा, और जहां ठहरे थे वहां भी पानी नहीं था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, और अम्मा फरमाती है कि मेरी गोद में सर रख के ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए आराम करने के लिए, साहबा हार ढूंढ रहे हैं। इसी लश्कर में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, जो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के वालिद हैं। लोगों ने उनसे कहा देखो क्या किया आयशा ने रजी अल्लाह तआला अन्हा, रोक के रखा है यहां पे, पानी है नहीं, क्या होगा, नमाज का क्या करेंगे, ये वो फुला सारी बात है। अब ये तो अब्बा है ना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, अम्मा आयशा बैठी हैं, ये साहिबजादी है, बेटी है अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, बाप है तो डांटना शुरू किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने सबको रोक के रखा। सुना रहे हैं, वालिद हैं, सुना सकते हैं। और कहा कि जैसे ना उंगली मेरी यहां कोख में ना, मुझे ऐसे चुबाया, क्या किया तुमने, ये क्या किया, क्या किया ना।
अच्छा मैं अम्मा आयशा फरमाती है मैं तो हिल भी ना सकूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, अब्बा डांट रहा है, मैं सुन रही हूं। इतने में सुबह हो गई, सुबह जो हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे, का पानी तो है नहीं, नमाज कैसे पढ़ेंगे। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम की आयतें नाजिल फरमा दी कि देखो अगर पानी ना होना तयम्मुम कर सकते हो तुम। ओहो सहाबा तो खुश हो गए, और उसैद इब्ने हुजैर रजी अल्लाह तआला अनु अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु के पास गए और उनसे कहा मा हिया बि अव्वली बरकतिकुम या आला अबी बकर, के अबू बकर तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की वजह से ही कोई पहली बरकत हमें हासिल नहीं हुई, तुम्हारी तरफ से तो हमेशा हमें बरकतें ही हासिल हुई है। अल्लाह ने जरिया बना दिया ना अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हार के कोने को, तयम्मुम का हुक्म अल्लाह ने तय फरमा दिया। और अल्लाह का करना हुआ क्या, तयम्मुम किया, नमाज पढ़ी, उठ गए। अब जब लश्कर रवाना होने लगा ना तो अम्मा की जो सवारी थी जब उठाई गई ना, हार वहीं नीचे से मिल गया, हार भी मिल गया और तयम्मुम क्या हो गया भाई, शुरू हो गया। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद तयम्मुम किया, सहाबाए किराम से तयम्मुम करवाया। एक वफ्द आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास का, जी हम तो रेतीले इलाके में रहते हैं, सहरा में रहते हैं, पानी होता ही नहीं, दूर दूर तक रेत फैली हुई है, हम क्या करें। अब किसी का वजू टूटता है, किसी को जनाबत लाइक होती है, किसी को हैज निफास, ये मसाइल ने क्या करें। आपने कहा भाई ये रेत इस्तेमाल करो, तयम्मुम करो, इस पे सहूलत है। और फरमाया आपने कि ये मिट्टी मुसलमान को पाक करने का जरिया है, चाहे 10 साल तक पानी ना मिले करते रहो तयम्मुम, मजे करो, कोई मसला ही नहीं। अच्छा मैं तयम्मुम के मुख्तसर कुछ मसाइल अर्ज करता हूं, अमूमन ये हमारे सामने होते ही नहीं कि शरीयत ने इस पर कितनी आसानी रखी, कितनी आसानी रखी। पहली चीज शरीयत ने क्या सिखाई कि तयम्मुम इसमें ये समझ ले दो फर्ज हैं या तीन फर्ज हैं, दो कहना ज्यादा आसान है। पहला फर्ज है नीयत करना, नीयत करना, वजू में नीयत फर्ज नहीं है, बगैर नीयत के लिए वजू हो जाता है, सवाब नहीं मिलता। तयम्मुम में नीयत फर्ज है, नीयत नहीं करोगे तयम्मुम नहीं होगा। और तयम्मुम की नीयत क्या होती है कि मैं इस मिट्टी से पाकी हासिल कर रहा हूं ताकि नमाज पढ़ लूं, मिट्टी से पाकी हासिल कर रहा हूं, बस ये काफी है, इतना इतनी नीयत। हदस दूर करना, नापाकी दूर करने के लिए, नमाज पढ़ सकूं इसके लिए तयम्मुम कर रहा हूं। और दो दफा जर्ब मारनी है जमीन पर, एक दफा चेहरे के लिए, एक दफा हाथों के लिए, छुट्टी। कितनी जर्ब है, दो जर्ब है, एक किसके लिए, चेहरे के लिए, दूसरी किसके लिए, हाथों के लिए, बस। तयम्मुम में ना सर का मसा करना है, ना पांव धोने है, ना पांव पे मसा करना है, कुछ नहीं, चेहरे और हाथ का मसा किया और तयम्मुम हो गया। 15-20 सेकेंड का भी तयम्मुम नहीं होता। अच्छा तरीका क्या है तयम्मुम का, मैं आपको दिखाऊं। मसनून तरीका तयम्मुम का क्या है, दोनों हाथ ऐसे खोल लिए जाए, देखो मेरे हाथ, देखो ऐसे खोले जाए और जमीन पे मारे जाए, और फिर हाथ जमीन पे मार के थोड़ा उनको आगे बढ़ाया जाए, पीछे पीछे लाया जाए, ताकि हाथों पे अच्छी तरह मिट्टी लग जाए, समझ रहे हैं। उसके बाद ऐसे झाड़ा जाए हाथों को, झाड़ा जाए, ताकि अगर ज्यादा मिट्टी लग गई है तो झड़ जाए। शरीयत ने इसका भी ख्याल किया कि मिट्टी तो चेहरे पे लगे लेकिन चेहरा बदनुमा ना हो, बहुत ज्यादा मिट्टी हो तो भाई झाड़ लो, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम चेहरा धोते हैं ना, ऐसे लेके बस पूरे चेहरे पे हाथ मल लो। पूरे चेहरे पर हाथ मलने का मतलब क्या है कि वो जगह जो जिसको वजू में धोया जाता है ना, वो सारी जगह पे तुम्हारा मिट्टी वाला हाथ फिर जाए, पेशानी पर फिरे, भवों पे फिरे, ये देखो मेरे आंख, ये जो हिस्सा है यहां फिरे, समझ रहे, पलकों पे फिरे, और जहां आंखें नाक से मिलती हैं यहां फिरे, हमारे जो कान है और जहां दाढ़ी उगती है दरमियान में एक जगह खाली सी होती है, आप उंगली लगाओ तो आपको महसूस होगा यहां बाल नहीं होते, कान और दाढ़ी के दरमियान की जगह देखो जरा, आप देखो हाथ लगाओ, होती है जगह जहां बाल नहीं होते, इस जगह पे भी जैसे इसको वजू में धोना जरूरी है, यहां भी तयम्मुम के अंदर क्या होगा, हाथ फेरेगा थोड़ी के नीचे तक अच्छी तरीके से मिट्टी वाला हाथ फेराओ। अच्छा फिर क्या करो भाई, फिर दोबारा एक हाथ मारो जमीन पे, फिर उसको आगे करो पीछे करो, उसके बाद क्या करेंगे देखें मुझे, ये मेरा सीधा हाथ है ना, तयम्मुम इसका पहले होगा,
और वुजू के अंदर भी पहले उंगलियों से पानी डाला जाते हैं ना, याद लगलाते हैं। तो ये तीन उंगलियां, ये छोटी उंगली, इसके बाद की उंगली, इसके बाद की उंगली, तीन उंगली है ना, इन तीन उंगलियों को मैंने यहां रखा, बाएं हाथ की तीन उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों के नीचे रखा और खींच के मैं इसको यहां तक ले आया, कोनी से आगे तक ले आया ना। उसके बाद अंगूठा और ये उंगली जो मेरी बच गई थी ना शहादत की उंगली, इसको ऐसे किया, ऐसे ऊपर से यूं पूरा मैंने फिरा दिया, पहले यहां किया और फिर यहां किया, बस ये हो गया था। उंगली ने अंगूठी पहनी है तो उसको भी हिलाया जाएगा जैसे वजू में हिलाते हैं, बस छुट्टी हो जाते हैं मोह, ठीक है। और तैमुम हमारे यहां वजू और गुसल दोनों का बदल है, वजू की जगह भी तैमुम हो सकता है, गुसल की जगह भी तैमुम हो सकता है, अजीब बात है। क्या हुआ एक दफा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और साहबा में से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये अल्लाह कहा करते थे भाई वुजू की जगह तयम्मुम हो सकता है, गुसल की जगह तयम्मुम नहीं होगा। तो एक दफा हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर साहबी हैं, उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा ये आप क्या कहते हैं कि गुसल की जगह तयम्मुम नहीं होगा, आप भूल गए वो वाकया जो मुझे और आपको पेश आया था, आप वो वाकया भूल गए, क्या वाकया पेश आया था। एक दफा हजरत अम्मार और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों हजरत रात में कहीं जंगल में थे, दोनों को गुसल की हाजत हो गई, ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो बैठ गए कि भाई पानी है नहीं, गुसल कैसे होगा, बैठ गए एक तरफ। हजरत अम्मार रजी अल्लाह ने सोचा कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम की इजाजत दी है गुसल की जगह, तो जैसे गुसल में सारे बदन पर पानी पहुंचाना जरूरी होता है, शायद तयम्मुम में सारे बदन पर क्या पहुंचाना जरूरी होगी, मिट्टी जरूरी होगी सारे बदन पे मिट्टी। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी में लोटे लगाई ना, लोटे लगाई, लोटे लगाई बच्चे लगाते हैं कि सारे बदन पे क्या लग जाए, मिट्टी लग जाए, लोटे लगाई मिट्टी में। और सहाबा का मिजाज तो कई दफा मैं आपसे अर्ज कर चुका क्या रहा हमेशा, कि जैसे ही कोई वाकया पेश आ जाए फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सुनाया जाए। सहाबा ने छुपाना सीखा ही नहीं था, उनके माहवा उनके मलजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो बात कोई पेश आती ठक से जाते आप अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल ये हो गया, अल्लाह के रसूल यूं कर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बताया थे अम्मार रजी अल्लाह तआला उन्होंने कि जी ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने यूं लोटे लगाई मिट्टी के अंदर, आपने कहा ना इसकी क्या जरूरत थी भाई, वही तयम्मुम जो किसके लिए करते हो, वुजू के लिए करते हो ना, गुसल के लिए भी इतना ही तयम्मुम काफी है, नियत करके सिर्फ चेहरे पर हाथ फेरा और हाथों पर हाथ फेरा, गुसल की जगह का तयम्मुम हो गया, जनाबत का गुसल अदा हो गया इस तयम्मुम से, और हैज से पाक हो गई, निफास से पाक हो गई खातून, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये तयम्मुम जैसे वुजू की जगह किया जा सकता है, ऐसे किसकी जगह भी किया जा सकता है, बोले गुसल की जगह भी किया जा सकता है, ठीक है। तयम्मुम किस चीज पर हो सकता है, किस चीज पर तयम्मुम हो सकता है, हर वो चीज जो मिट्टी की जिंस हो उस पर तयम्मुम हो सकता है, मिट्टी नहीं कह रहा, मिट्टी की जिंस कह रहा हूं, मिट्टी जैसी हो। मिट्टी जैसी का क्या मतलब है, जो जलाने से जले ना, पिघलाने से पिघले ना, उस पर तयम्मुम हो जाएगा। आपके काम की बात सुनाऊं आपको, टाइल पे तयम्मुम हो सकता है, चाहे बिल्कुल गर्द ना हो, किस पे हो सकता है, टाइल पे, मार्बल पे तयम्मुम हो सकता है, समझ रहे हैं, किस पर हो सकता है, टाइल पर, और किस पर हो सकता है, मार्बल पर क्या हो सकता है तयम्मुम, कोई गर्द ना हो, जैसे ये मार्बल है ना, क्या ये मार्बल है टाइल है क्या है, जो भी है इस पर तयम्मुम हो सकता है, घर पे लगा हुआ, मस्जिद के उस पर तो नहीं हो सकता, घर की बात कर रहा हूं, लगे इस पर तयम्मुम हो सकता है, पत्थर पे तयम्मुम हो सकता है, पत्थर पे, मिट्टी ढूंढना जरूरी नहीं है कहीं, क्या जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं, हर वो चीज जो मिट्टी की जिंस में से हो, और मिट्टी की जिंस मैंने क्या कही दोहराए मेरे साथ, जो जलाने से जले ना, पिघलाने से पिघले ना, वो मिट्टी की जिंस है, उस पर क्या हो सकता है भाई, तयम्मुम हो सकता है। सीमेंटेड फर्श है, उस पर तयम्मुम हो सकता है। सीमेंट की दीवार है, रंग नहीं हुआ हुआ उस पर, तयम्मुम हो सकता है। और इन चीजों पर तयम्मुम करने के लिए हाथ पर गर्द का लगना भी जरूरी नहीं, बस आपने यूं फेर लिया
बस अब आप तयम्मुम कर सकते हैं, हाथ पे जरा गर्द भी नहीं है, समझ रहे हैं? ऐसे गर्द पर भी तयम्मुम हो सकता है, गर्द पर। फर्ज कर ले आपके पर्दे पे गर्द है, ऐसी गर्द है कि जब आप हाथ मारो ना तो गर्द उड़ती है, आपके हाथ पे गर्द आ जाती है, ये होबार, ये भी मिट्टी है, पतली होती है कि है मिट्टी, ये भी। इस होबार पर भी क्या किया जा सकता है बोले, तयम्मुम किया जा सकता है। कितनी सहूलतें बताओ, इन सारी चीजों में क्या हो सकता है बोले, तयम्मुम हो सकता है। अच्छा, तयम्मुम की इजाजत कब होती है? कब मैं कहूंगा कि मुझे तयम्मुम की इजाजत है? कब? दो बातें होगी ना, ये सुना दिया आपको, बताएगा तयम्मुम का तरीका क्या होता है, ये बता दिया तयम्मुम किया किस चीज पे जा सकता है, ठीक है। आखिरी बात क्या कि तयम्मुम की इजाजत होती कब है? कहा देखो, तयम्मुम की इजाजत का उसूल यह है, जो शख्स पानी के इस्तेमाल पर कादिर ना हो, मैंने ये नहीं कहा पानी ना मिले उसको, मैं क्या कह रहा हूं, जो पानी के इस्तेमाल पर क्या ना हो, कादिर ना हो, उसको तयम्मुम की इजाजत है। पानी के इस्तेमाल पर कादिर ना होने की चंद सूरतें मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। एक ये कि आसपास पानी नहीं है, कितनी दूर तक पानी नहीं है, एक मील तक पानी नहीं है, एक मील तक आगे दाएं बाएं पानी नहीं है। एक मील क्या होता है, शरान जो एक मील है ना, वो अंग्रेजी हिसाब से एक किलोमीटर और कोई 890 मीटर है तकरीबन। ये जो अंग्रेजी मील है ना, शरणी मील इससे थोड़ा बड़ा होता है, एक किलोमीटर पूरा और 890 मीटर आगे, तकरीबन दो किलोमीटर आप समझ लो, उससे कुछ कम। मालूम हो कि आगे पानी नहीं है, तयम्मुम कर सकता है। ये पहली शक्ल हुई कि ये पानी के इस्तेमाल पे क्या नहीं, कादिर नहीं। दूसरा क्या, कोई ऐसी बीमारी हो गई उसको कि वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या मतलब, क्या बीमारी हो गई उसको, डॉक्टर ने उससे कहा है कि जी आपके बदन बुखार की शिद्दत की वजह से आप अगर पानी इस्तेमाल करेंगे आपका मर्ज बढ़ जाएगा, आप पानी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। या हाथ पांव हिलाने के काबिल नहीं, वो हाथ पांव हिलाने में उसको उसकी बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है। अल्लाह ना करे हाथ में कोई ऐसा मसला हो गया, डॉक्टर ने कहा आप हाथ बहुत ज्यादा नहीं हिलाएंगे। या फुकहा ने इसकी भी इजाजत दी कि एक शख्स को ऐसे दस्त लगे हुए हैं, कि वो उठता है, चलता फिरता जरा है तो फिर उसको दस्त जारी हो जाते हैं। तब कोई बात नहीं भाई, बैठा रहेगा पे अपनी तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। शरीयत ने इतना ख्याल किया, ठीक है ना। तो जो शख्स पानी के इस्तेमाल पर कादिर नहीं है, उसे लगता है, डॉक्टर ने कहा कि पानी इस्तेमाल करने से तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, तो उसको तयम्मुम की क्या है भैया, इजाजत है, ठीक है। ऐसे ही पानी आसपास कहीं मौजूद नहीं है तो भी उसको तयम्मुम की क्या है, इजाजत। अच्छा, तयम्मुम से मुताल्लिक एक बात और सुन लो, वो क्या, तयम्मुम से जितनी नमाजें पढ़ ली, जैसे ही पानी मिल जाएगा और ये वुजू गुसल पे क्या हो जाएगा, कादिर हो जाएगा ना, अब जो नमाजें उसने पढ़ ली ना, उसको लौटाने की जरूरत नहीं, वो हो गई। हां, अब वो तयम्मुम उसका टूट गया, अब क्या करेगा, वुजू कर लेगा। और हर वो चीज जिससे वुजू टूटता है उससे तयम्मुम भी टूट जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने तयम्मुम किया और उसकी हवा निकल गई, तो हवा निकलने से वुजू टूटता है ना, तयम्मुम भी टूट जाएगा, क्या करना पड़ेगा उसको, दोबारा तयम्मुम करना पड़ेगा। सो गया, आग लग गई उसकी, वुजू टूट जाता है ना, इससे तयम्मुम भी टूट जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। पेशाब के लिए जाना पड़ गया, इससे वुजू टूट जाता है, तयम्मुम भी टूट जाएगा। समझ रहे मेरी बात ये। और पानी के इस्तेमाल पर यह कादिर हो गया तो भी इसका तयम्मुम क्या हो गया, टूट गया। लेकिन इससे पहले जितनी नमाजें उसने क्या की थी भाई, पढ़ी थी, वो हो गई। थोड़ी तफसील है इसमें, वो क्या, देखो पानी न मिलने की दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल ये कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा औजार आ गया, पानी नहीं मिल रहा। और एक ये है कि बंदे की तरफ से कोई औजार आ गया, बंदे की तरफ से क्या आया। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में पानी खत्म हो गया, बाहर पानी है लेकिन ड्राइवर ट्रेन नहीं रोक रहा, अब आपको तयम्मुम करना पड़ गया। अब तो जो औजार बंदे की तरफ से आया, किसकी तरफ से आया है, बंदे की तरफ से आया है, उसमें तयम्मुम करके जो नमाजें पढ़ी जाती हैं, बाद में उनको लौटाना पड़ता है जब आदमी ठीक हो जाता है, जो उजर खत्म हो जाता है। और जो उजर अल्लाह मियां की तरफ से आया, बीमारी है, पानी कहीं आसपास नहीं है, उसमें जितनी नमाजें आपने पढ़ी है ना, बोले वो हो गई,
उसको क्या है लड़ाने की क्या नहीं जरूरत थी। एक आखिरी बात सुना हूं, देखो फुकाहा ने कैसा कमाल किया, बस ये आखिरी बात सुना के बात खत्म करता हूं। बाज औकात ऐसा होता है कि आदमी को ना पानी मिलता है ना मिट्टी मिलती है जिस पर वो क्या कर सके, तयम्मुम कर सके, कहीं ऐसा फंस गया तो क्या करूं। इसमें मैं पहले आपको एक और बात सुनाऊं, मैंने खुद सुना है इसको हजरत मौलाना नजरुल रहमान साहब से, तबलीगी अमीर आज कल जिंदगी जैसे है, वो फरमाने लगे एक दफा कि देखो जो शख्स सफर पे जाए, कहां जाए सफर पे जाए, और अपने साथ वुजू का पानी ना रखे, वुजू का पानी ना रखे, उसने गोया सफर में नमाज पढ़ने की नीयत ही नहीं की। उसने क्या नहीं की भाई सफर में, बोलो, नमाज पढ़ने की नीयत ही नहीं की उसने। अगर इसकी नमाज की नीयत होती तो ये अपने साथ क्या रखता, पानी रखता। मुमकिन है ना, ये जो ट्रेनों में हमारे साथ ही हम सफर करते हैं जानते हैं ना, पानी नहीं खत्म, कभी कभी खत्म हो जाता। लेकिन कभी ऐसा हो गया ना पानी मिल रहा है ना मिट्टी मिल रही है। इसकी एक शक्ल सुना दूं मैं आपको, जहाज, जहाज नहीं, पानी नहीं यार, वुजू के लिए पानी नहीं दे रहे, तैमुम के लिए भी कोई चीज आपके पास नहीं है, ये कोई और जगह मुकद्दर से आप फंस गए, क्या करोगे। फुकाहा ने इसका मसला भी बयान किया और इसको कहा कि ये फाकिदु तहुरैन है, यानी इसको पाक करने वाली कोई चीज नहीं मिल रही, क्या करें। कहा ये उस वक्त नमाज पढ़ने वालों की मुशाबात इख्तियार करे, यानी हैयत बनाए नमाज पढ़ने वालों की, खड़ा हो जाए हाथ बांध के, खामोश खड़ा रहे, रुकू सजदा करे, सलाम फेर दे, हैयत बनाए नमाज पढ़ने वालों की, और बाद में उस नमाज को क्या कर ले भाई, कजा कर ले। क्या बनाए उस वक्त नमाज पढ़ने वालों की शक्ल बनाए, जैसे एक आदमी ने रोजा रखा हो और वो रोजा तोड़ दे, या खातून अय्याम से हो पाक हो जाए, तो नहीं उनसे कहा जाता है अब तुम रोजेदारों की मुशाबात इख्तियार करोगी, खाओगी पियोगी नहीं, ऐसे इससे कहा जाएगा इस वक्त तुम नमाज पढ़ने वालों की मुशाबात इख्तियार करोगे, बस उस जैसी हैयत बना लेना, बाद में इस नमाज को क्या कर लेना भाई, कजा कर लेना। ये देखो तैमम, ये शरीयत है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आपके फायदे के लिए उतारी है। अब वो मजमा हमारा जो बेचारा बीमार है, अस्पताल में है, नमाज पढ़नी है, कैसी उसके लिए सहूलत हो गई तैमम करने, कितनी आसानी हो। हम शरीयत की आसानियां जानते नहीं, इस बुनियाद पर ये कहते हैं कि यार शरीयत में ये भी इश्तेहाद होना चाहिए और ये भी इश्तेहाद होना चाहिए, अब तो हालात तब्दील हो गए, अब तो ये हो गया, दुनिया रॉकेट के जमाने में चली गई, सुपरसोनिक रॉकेट बन गए, हम कहां पड़े हैं। शरीयत सुपरसोनिक ये जो रॉकेट है ना, इससे आगे के जमाने के मसाइल भी शरीयत ने सुना है, हमारे सामने होते नहीं, इसलिए हमें शरीयत में कमी नजर आती। जैसे एक आदमी खुद उसकी आंखें चुनिया जाए ना, यूं उसकी आंखें हो, अंधेरा उसको नजर आ रहा हो, तो वो अगर ये कहेंगे जी सारी दुनिया में अंधेरा फैला हुआ है, हालांकि सूरज निकला हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे, भाई अंधेरा नहीं है, तेरी आंखें बंद है, आंखें खोल के देख ले सूरज निकला हुआ है। तो वो मजमा जिनकी आंखें बंद होती है ना, उनको शरीयत में कमियां नजर आती हैं, इनकी आंखें अल्लाह खोल देते हैं, उनको शरीयत चकाचक नजर आती है, जैसे आपको मुझे सूरज नजर आती। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी एहतियात से एहतिमाम से इन मसाइल पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا رب। अपने घर वालों को जाकर भी तैमम की मोटी मोटी बातें बता दीजिएगा, ठीक है।